अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद की दुआ तजवीद के साथ बताऊंगा। जैसा कि हम सब जो है खाना खाते हैं, और अगर हम उसको सुन्नत तरीके के मुताबिक खाएं और दुआएं पढ़कर खाएं तो हम हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे, और उस खाने में बरकत भी होगी, और वो खाना भी हमारे लिए इबादत होगा। तो हमें जो है ये दुआएं लाजमी पढ़नी चाहिए। जब खाना शुरू करें तो ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाहि। या अगर जो है ये दुआ नहीं पढ़ सकता तो सिंपल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकता है। और अगर शुरू में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो जब याद आए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो उसको जो है उस खाने में शैतान को खाने का मौका मिल जाता है। और जब खाना खा चुके तो फिर ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो ये जो है दुआएं आपने पढ़नी है। एक मरतबा फिर समात फरमा लें, जब खाना शुरू करें तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाहि। और अगर शुरू में भूल जाए तो ये पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। और जब खाना खा चुके तो फिर ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलें आसान फरमाए और हमें हर किस्म की बुराई से महफूज रखे।